वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भैया बाहर जो है मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, ठीक है। अभी हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी कल, और ये वीडियो पहले जाएगा, ये वो वाला वीडियो पहले जाएगा, कुछ कन्फर्म नहीं है, कोई सा भी जा सकता है। तो आप लोग जो वीडियो देखते हो उस पर लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार एल्गोरिदम जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उससे पता चलता है जो अच्छी वीडियोज़ हैं उसको लाइक करने से जो है अपना जो कॉन्टेंट है वो बूस्ट होता है, ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ता है, तो वीडियोज़ अपने आप रैंक करती है। तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग वीडियो देखते हो, पसंद आता है तो, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा था बाहर, रेडी हो चुका हूँ। बाहर जो है मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ है, स्नो फॉल हुआ था कल, अभी जो है वो हल्की हल्की धूप निकली हुई है, तो एक बहुत ही अच्छा सा सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकाल के आते हैं, हालांकि अभी तो मैं पढ़ने बैठ रहा था, बट मैं सोचा कि एक बार निकाल के आ जाते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैं उठा था 9 बजे, अभी तो बज रहे हैं 9:30 बज रहे होंगे, तो मैं जाता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेके आते हैं, और चलो फिर मिलता हूँ आपसे बाद। मैंने अभी कुछ शॉट्स निकाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स दिख जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा था यार, हर चीज़ को करने का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। अगर वो चीज़ उस टाइम पे होना है तो वो उसी टाइम पे होगा, भले आप कितना भी मेहनत कर लो, वो चीज़ अगर होना है तो होके ही रहेगा, और अगर नहीं होना है तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आज मुझे सिनेमैटिक कल मैंने वीडियो बनाया था, बाकी आज मुझे सिनेमैटिक शॉट निकालना था। तो कल क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, तो हम लोग वापस घर चले गए थे। घर जाने के बाद चेंज करके आया मैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती की और बहुत लेट हो गया। तो किस्मत में लिखा था कि आज ही सिनेमैटिक शॉट निकालना है, और आज देखो किस्मत से धूप भी मतलब अच्छी खासी धूप थी। अभी तो मैं आया तो अभी कम हुई है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मेरे ऐसा हर बार का सीन है। कहीं घूमने जाते हैं तो बारिश होगी, और मैं जो काम सोचता हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप कितने भी अपने हिसाब से कितने भी प्लानिंग कर लो, जैसा होना है वैसा ही होके रहेगा। हाँ तो यार अपन बढ़िया सिनेमैटिक शॉट निकाल के अभी मैं आ गया हूँ वापस यहाँ, क्योंकि स्ट्रीट बहुत बढ़िया है। अपने चाचू बैठे इधर, ठीक है, इनका भी मैंने निकाला है सिनेमैटिक शॉट, और देखते हैं अभी यार आगे का कुछ प्लान तो नहीं है, वापस घर ही जाऊँगा, क्योंकि सिनेमैटिक शॉट निकालने आया था वो काम तो हो गया, और बस अभी घर जाते हैं, वापस पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। स्नो में तो बहुत बहुत खेले हैं, 6 साल से खेल ही रहे हैं स्नो में। हाँ तो यार मैं क्या बोल रहा था, वैसे तो 6 साल हो गए हैं यहाँ पर स्नो देखते हुए, लेकिन जो फर्स्ट स्नोफॉल का जो मज़ा होता है वो कभी नहीं जाता। जब भी स्नोफॉल होता है, फर्स्ट स्नोफॉल अभी भी हल्का हल्का हो ही रहा है वैसे, जब भी फर्स्ट स्नोफॉल होता है तो भाई बहुत मज़े आते हैं, और हम लोग हर बार बाहर निकलते हैं मस्ती करने। तो प्लान नहीं है आगे का कुछ, चलते हैं घर, ठीक है। भैया नाइंसाफी देख रहे हो, जब तक मैं बाहर था जब तक सूरज बिल्कुल बादल के पीछे था, जैसे ही आके अभी ड्रेसिंग नहीं हो वापस से धूप आ गया, क्या है यार। हाँ जी, तो अभी एक काम करना है यार अपने को, पीछे जो आप ये वार्डरोब देख रहे हो इधर 3 बेड लगे हुए हैं, तो ये बेड खसका के मतलब शिफ्ट करके दूसरी साइड लगाना है, क्योंकि रूम में जो है वो सौरभ आ रहा है, रूममेट नया है, और नया नहीं है मतलब अपने ही ईयर का है, 6th ईयर का ही है, और अभी आ रहा है वो इस रूम में क्योंकि शिफ्ट कर रहा है रूम, तो अच्छा है छत्तीसगढ़ से भी है वो भी, तो अपनी अच्छी बनेगी। तो यार अपने को शिफ्ट करना है, पहले तो 2 लोग रहते थे, मैं और विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड,
बट वो इंडिया में जल्दी मिलाया जाएगा आप लोगों से। बहुत ही कलाकार आदमी भैया, वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे व्लॉग, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बस आने ही वाला है कुछ दिनों में। वैसे सौरभ आ रहा है तो अपने को ये सब सारा काम करना है यार। ये जो पीछे ये वार्डरोब है ये इधर शिफ्ट करना है, ये एक जो बेड है इसे उठाकर इधर शिफ्ट करना है। तो अभी लगते हैं काम पे, 11 बज रहे हैं, तो फिर काम किया जाए। भाई बहुत नाइंसाफ़ी होती है कसम से यार। अभी देख लो क्या धूप आ रहा है बाहर, देखिए बहुत नाइंसाफ़ी होती है कसम से। तो अपन लगते हैं काम पे, ठीक है चलिए। तो यार अभी इसको इधर खिसका दिया है बड़ी मुश्किल से, इधर जगह खाली हो गया है, इधर लगाना है अपना बेड। ये वाला जो बेड है वो इधर जाएगा। और बहुत कचरा बहुत है यार, बहुत धूल बहुत है, डस्ट बहुत है, इसलिए हम लोग मास्क पहन लिए भैया। छींक भी आएगी फालतू में, कुछ कुछ हो गया। अभी एग्जाम का टाइम है, रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का अपने को। तो भैया सारा मेहनत हो गया है, बेड अभी शिफ्ट कर दिए हैं। अब बस ये जो सारा फैला हुआ है ये जमाना है, तो देख लो कितना सामान है अपने पास। तो ये सारा चीज जमाना है, अभी चलो जमाते हैं। बाल, हाँ जी, तो सारा कुछ हो गया है, मतलब बेड वेड जो जमाना था वो हो गया। अभी बस कबर्ड जमाना है, कबर्ड जमाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको रूम कैसा लगा। तो भाई लोग कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपना रूम, देख लो इधर से। ये अपने 3 टेबल्स हैं और बुला सुला तो अपना स्टडी टेबल है। ये यहाँ 3 बेड लगे हुए थे, एक बेड शिफ्ट कर कर मैंने उधर कर दिया। मेरे 2 वार्डरोब, सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। ये जो लाइट्स दिख रहे हैं वो, ये लाइट्स पहले यहाँ पर लगे हुए थे, और सारा कुछ जम चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से जम गया सारा चीज़। और इस पे मैं अपने कपड़े रखता हूँ, जितने भी कपड़े हैं मेरे, मैं इस वॉर्डरोब पे रखता हूँ। बाकी ऊपर जो खाली है, ऊपर और भी बहुत सारे सामान आएंगे। ऊपर तो वैसे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, स्टेथोस्कोप वगैरह है ना। और इस पे मैं अपने रखता हूँ सारे जैकेट्स, मेरे जितने जैकेट्स हैं इस पे रखता हूँ मैं। और ऊपर रखे हुए हैं कुछ सामान, ऊपर भी बहुत सारे सामान हैं। ये है अपना बेड, ये अपना स्टडी टेबल, इस तरह से भी आप लोगों को रूम दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा है, हाँ भाई। तो अपन कल रूम वूम जमा लिए हैं, सारा चीज़ हो गया है क्लियर। अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था, आज है नेक्स्ट डे। और भैया आज मैंने ऐसा चीज़ सोचा था कि दिन भर पढ़ाई करेंगे आज बैठ के, और मौसम जो है वो कसम से यार अब तो कंफर्म हो गया, बहुत बेईमानी करता है। अभी आप लोग बाहर का मौसम देखिए एक बार, कितना प्यारा मौसम है। और आज दिन भर से धूप भी है, अभी लगभग बज रहे होंगे 2:30 दोपहर के। सुबह से अपन बढ़िया आराम से नहा धो के अभी पढ़ाई कर रहे थे। और ये व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, आपने देख लिया रूम का सारा काम हो चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने कल एनालिटिक्स चेक किया वापस, अगर क्या बताऊँ, अगर सारे लोग सब्सक्राइब करें तो पिछले एनालिटिक्स के हिसाब से मेरे एक हफ्ते में 3,500 सब्सक्राइबर हो जाते। बट पता नहीं क्या है, एक दिन के 400-500 लोग जो नॉन सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, एक दिन के व्यूज़ तो ज़्यादा आते हैं बट उसमें से 450-550 ऐसे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।